क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली है 1.3 और क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2+ रूट में लिखा है 3 ब्रैकेट बंद एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका जो मैंने आपको बताया है दूसरा क्वेश्चन में कि किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि 2+ रूट में 3 एक परिमेय है। वैसे है तो ये अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये हमने मान ली। तो हमें दो पद लेना है जिसमें हम इस जब जो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया था दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो हमें दो पक्ष चाहिए होंगे। एक पक्ष तो हमारा ये हो गया, तो दूसरा पक्ष मान लेते हैं, इसी के आगे लाइन जोड़ देता हूँ मैं, जो ए के बराबर है। ए तो हमने मान लिया, ए की जगह पर आप बी अचर पद मान सकते हैं, ठीक है, ए के बराबर है। तो मैंने दो पद मान लिए। दो पद हमें इसलिए मानना है क्योंकि हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो लग जाए आसानी से, बस सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। तो लिखेंगे 2+ रूट में 3 बराबर ए, तो ये जो है ए के बराबर है। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। अब दोनों पक्ष हो गए, एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। अब सिंपली हमें ये जो फॉर्मूला लगता है वो लगा देना है दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो वर्क में क्या होता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग 2+ रूट में 3, ये लग गया ब्रैकेट और चढ़ गया स्क्वायर, जब हमने क्या किया दोनों पक्षों में वर्क करने पर, बराबर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमने मान लिया इसके बराबर रहेंगे। ए स्क्वायर से हमें कोई कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ बराबर बराबर कर लिखना है। अब से सॉल्व तो हमें ये करना है, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस अब हमें इसमें फॉर्मूला लगा देना है क्योंकि ये स्क्वायर बन गया है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी वाला। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 एक ए है, इसको मान लिया था हम ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। तो ए हो गया 2 गुणे बी हो गया रूट में 3। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसमें मान रख दिया और बराबर में ये ए लिखा है, तो इसको बराबर करके ए इसी प्रकार से लिख देंगे। तो ए से हमें कोई इतना कुछ करना नहीं है, उसको बस बराबर करके लिखना है। अब 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस, अब रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 का, तो 3 आ जाएगा केवल। अब इसका करेंगे 2 × 2 × 4, 4 और रूट में आ जाएगा 3 बराबर ए स्क्वायर, ये इसी प्रकार लिखा रहेगा। अब 4 और 3 का प्लस कर देंगे, 4 प्लस 3 हो गया 7 प्लस, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, 4 और रूट में 3 बराबर ए स्क्वायर। अब एक स्टेप और कर लेना है, 4 रूट में 3 बराबर इसका पक्षांतर किया, जैसे अभी ये प्लस का है तो हो जाएगा ये माइनस का, ये प्लस का साइन 4 का है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। साइन कैसे पता चलता है, संख्या के आगे लगा हुआ जो साइन होता है वो ये वाली संख्या होगा। पहली ए स्क्वायर इसी प्रकार से लिखा रहेगा, माइनस में लिखेंगे 7, 4 रूट में 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 7। अब जो परिमेय संख्या है वो कैसी रहती है, पी क्यू के रूप में रहती है। पी क्यू के रूप में कहने का मतलब ये है, पी की जगह पर संख्या रहती है और क्यू की जगह पर भी संख्या रहती है। जैसे एग्जांपल बताऊँ मैं, 2/3 इस प्रकार से रहती है परिमेय संख्या, ये मैंने आपको परिभाषा में बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3 ये स्टेप तो हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे इसके बटे में। अभी ये यहाँ पर था
तो रूट में थ्री इसी प्रकार से लिखा रहेगा, इसको लिख देंगे बटे में तो आ जाएगा फोर। तो देखिए अब कैसा बन गया है, रूट में थ्री अकेला इसी प्रकार से लिखा रहेगा, बराबर करके लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस सेवन, ठीक है माइनस सेवन आप देख सकते हो, बटे में लिख देंगे फोर, जो इसके साथ फोर था रूट के साथ वो आ गया बटे में फोर। अब जो है हम लिख देंगे कि ये जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्योंकि ये होती है ए स्क्वायर माइनस सेवन बटे में फोर एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो रूट में थ्री है वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और दूसरी लाइन आपको ये और लिखना होगा कि कभी भी अपरिमेय संख्या, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो दूसरी लाइन आपको ये लिख लेना है। और तीसरी लाइन में लिखना है अतः यह सिद्ध होता है कि, अब जो क्वेश्चन में लिखा था वो है टू प्लस रूट में थ्री, ये क्वेश्चन में लिखा था एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री है जो इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया है, दो पक्ष लिए हैं जिसमें हमने अचर पद मान लिया है ए स्क्वायर, फोर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, मैं आपको सबसे पहले पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर लिखा है फोर माइनस थ्री रूट में टू, ब्रैकेट हो गया बंद, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि करने का तरीका सबका एक ही जैसा है, माना कि अब जो क्वेश्चन में लिखा था फोर माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पर थ्री है टू नहीं है, थ्री रूट में लिखा हुआ है टू, एक परिमेय संख्या है। पहले हमने मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है, ये इसी को लिख लेते हैं फोर माइनस थ्री रूट में टू बराबर पी क्यू, पी क्यू जहाँ, अब वो वाली लाइन लिख रहे हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखी थी, पी क्यू जहाँ पी और, पी और ए से अभाज्य हैं तथा क्यू बराबर नॉट शून्य, फोर माइनस थ्री रूट में टू बराबर पी क्यू, ये इस प्रकार से लिख लिया। अब जो ये जो माइनस का साइन देख रहे हो, ये माइनस का साइन थ्री का है ना कि फोर का, जो फोर है वो प्लस का है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो आ जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ तो प्लस का है यहाँ आएगा माइनस का। अब इसके बटे में जैसे क्यू है तो फोर के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम मान लेते हैं वन। अब माइनस थ्री रूट में टू बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आ जाएगा क्यू। अब क्यू का क्यू से किया आ गया एक, एक बार कट गया ना क्यू से क्यू, तो एक से पी का किया तो आ गया पी, माइनस माइनस का साइन लगेगा। अब वन का क्या क्यू का, तो आ गया क्यू। अब क्यू का किया फोर से तो आ गया फोर क्यू। अब हमें ये जो थ्री के आगे जो माइनस का साइन है इसको हटाना है। हम लोग माइनस थ्री रूट में टू बराबर इसी प्रकार से लिखेंगे, इसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर देंगे फोर क्यू माइनस पी, तो लिख तो रहे हैं सेम तरीके से लेकिन हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो हो जाएगा माइनस का फोर क्यू माइनस पी, और जो
बटे में लिखा था क्यू, इसको इसी प्रकार से लिखा रहेंगे। अब हमें माइनस से माइनस कैंसिल करना है, ये माइनस का साइन है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, माइनस जो लगा था थ्री के आगे तो इसको कैंसिल कर दिया। अब बचा प्लस का, थ्री रूट में टू बराबर फोर क्यू माइनस पी और बटे में क्यू। अब रूट में टू अब जो थ्री है इसको लिख देंगे यहाँ पर बटे में, बराबर जैसे फोर क्यू माइनस पी और बटे में लिख देंगे थ्री क्यू। तो ये इस प्रकार से लिख दिया। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये क्योंकि का साइन होता है, क्योंकि फोर क्यू माइनस पी बटे में थ्री क्यू। या तो आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो, लाइन वगैरह ज़्यादा लंबी, तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तब रूट में टू बराबर फोर क्यू माइनस पी बटे में थ्री क्यू। अब यहाँ पर ये बराबर है तो इसको इस प्रकार से काटेंगे, तो इस प्रकार से हमने काट दिया। अब इसके बाद वो लाइन लिखेंगे जो मैंने आपको बताई थी, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अब लिखेंगे, ये लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि जो आप जो क्वेश्चन में लिखा था वो लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखा था फोर माइनस थ्री रूट में टू ब्रैकेट बंद एक अपरिमेय संख्या है, तो ये लिख दिया इस प्रकार से, तो ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियर ही दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी तो यहीं पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर है।